जब भी किसी महिला के लिए बांझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता था तब मैं भी इसे नसीब का खेल समझती थी, लेकिन फिर पता चला कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज पॉसिबल है। ये कहना है डॉक्टर चंचल शर्मा का, जो आयुर्वेद के जरिए बांझपन का इलाज कर रही हैं। दिल्ली की रहने वाली चंचल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद की पढ़ाई की, फिर शादी के बाद वो 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन 3 बार उनका अबॉर्शन हुआ। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े करते हुए ये कह दिया कि अब उनका मां बनना मुश्किल है, जिसके बाद उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया और मां बनी। साथ ही उन्हें लगा कि निसंतान महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने आयुष मंत्रालय की नौकरी छोड़ प्रैक्टिस करना शुरू की। उनके परामर्श से अब तक कई महिलाएं मां बन चुकी हैं। चंचल का इलाज काफी सस्ता होता है, इसलिए गरीब महिलाएं भी आसानी से इलाज करा पाती हैं। फिलहाल वो निसंतानता भारत छोड़ो नाम से कैंपेन चला रही हैं, जिसका उद्देश्य बांझपन से शिकार महिलाओं को मां बनाने का सुख देना है। इसके लिए उन्होंने देश भर में क्लिनिक्स खोल रखे हैं। क्योंकि सच करीब से दिखता है।